नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद में आज के एजेंडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। आम बजट 2021-22 पर दोनों सदनों में चर्चा रहेगी जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देंगी चर्चा का जवाब। 2020-21 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों से संबंधित विवरण भी राज्यसभा में होगा पेश। लोकसभा की कार्यसूची में मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021, धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या अवार्ड पर अब अदालत बिना शर्त लगा सकेगी रोक। संसद की मंजूरी के बाद 4 नवंबर 2020 को जारी अध्यादेश की लेगा जगह। लोकसभा के एजेंडे में गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के कल्याण के लिए कदम उठाने की मांग करने वाले संकल्प पर होगी आगे की चर्चा। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल नई व्यापक राष्ट्रीय खेल नीति तैयार करने का करेंगे प्रस्ताव। संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से का आज 11वां दिन है। राज्यसभा की कार्यवाही अब से कुछ देर बाद सुबह 9 बजे शुरू होगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से शुरू होगी। आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों में काफी अहम कामकाज शामिल है। राज्यसभा में आम बजट 2021-22 पर चर्चा जारी रहेगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा का जवाब देंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2020-21 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को दर्शाने वाला विवरण भी सदन में पेश करेंगी। अहम मंत्रालयों, विभागों के पत्र और संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी सदन में पेश किए जाएंगे। सदन की कार्यसूची में प्रश्नकाल भी शामिल है। हालांकि गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज आज उच्च सदन में स्थगित रहेंगे। वहीं लोकसभा की बात करें तो आम बजट 2021-22 पर चर्चा लोकसभा में भी जारी रहेगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा का जवाब देंगी। लोकसभा की कार्यसूची में विचार और पारित किए जाने के लिए मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 शामिल है। एजेंडे में महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 भी शामिल है। इसमें राज्यसभा के संशोधनों पर विचार होना है। अहम मंत्रालयों, विभागों के पत्र और संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी सदन में पेश किए जाएंगे। सदन की कार्यसूची में प्रश्नकाल और गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज भी शामिल हैं। और इस समय हम सीधा रुख करेंगे संसद भवन परिसर से। हमारे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन। अखिलेश, अगर आज हम देखें तो दोनों सदनों के एजेंडे में आम बजट पर चर्चा शामिल है और हमने देखा इस दौरान कि कई अहम सुझाव और विचार अलग अलग सांसदों की तरफ से उच्च सदन में भी हमें देखने को मिले हैं। क्या संभावनाएं लग रही हैं आज? देखिए, संभावनाएं तो ऐसी हैं, जिस तरीके से चल रहा है राज्यसभा में पूरे बजट पे चर्चा, उसमें काफ़ी विस्तार से चर्चा हो रही है और चाहे वो विपक्ष के सदस्य हों या सत्ता पक्ष के सदस्य हों, सभी अपने तरीके से बजट का विश्लेषण कर रहे हैं। और न सिर्फ बजट का बल्कि बजट से जुड़े हुए जितने पहलू हैं देश के, उन सारे पहलुओं पर चर्चा हो रही है। और इस बजट के माध्यम से वे कोरोना पीरियड की भी चर्चा कर रहे हैं, कोरोना के पहले जो देश के आर्थिक हालात है उस पर भी चर्चा कर रहे हैं, उन सवालों को भी उठा रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो नए रोजगार के सृजन के प्रयासों का मुद्दा हो, या कोरोना पीरियड में सरकार के कामों का सवाल हो, या वैक्सीन का सवाल हो। इन सारी चीज़ों पे जब बजट पे चर्चा होती है तो उन सारे सवाल जो हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जितने सवाल हैं उस सारे सवालों पे चर्चा होती है। और निश्चित तौर पे राज्यसभा में काफ़ी अच्छा माहौल चर्चा के दौरान देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पे जब अपोजिशन के सदस्य अपनी बात कहते हैं तो काफ़ी तीखा प्रहार भी करते हैं सरकार पे, लेकिन सरकार के पास भी उसका जवाब होता है, उसके आंकड़े होते हैं। तो कल जो चर्चा चली है उस हिसाब से काफ़ी अच्छी चर्चा चली है।
लोकसभा में भी चर्चा हुई है, लोकसभा में भी काफ़ी नोकझोंक हुई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी अपनी बात कही, हालांकि उन्होंने अपनी बात ज़्यादातर किसानों के मुद्दे पर रखी, लेकिन निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन का जो लेवल है बजट पे चर्चा पे दोनों सदनों में काफ़ी अच्छा चल रहा है। प्रीति बिल्कुल अखिलेश, और हम अगर देखें तो राज्यसभा में आज बजट सत्र के पहले भाग का आखिरी दिन है। कुल मिलाकर अगर हम इस पहले भाग को देखें उच्च सदन के लिए कामकाज के लिहाज से, तो कैसा माना जाएगा ये? निश्चित तौर पे पहले जिस तरीके की व्यवस्था थी उसमें ये था कि शनिवार को राज्यसभा में बजट सत्र के पहले भाग का समापन किया जाएगा, लेकिन जो स्थितियां बनी काफ़ी अच्छी चर्चा चली, एक एक घंटे बढ़ाए भी गए। जैसे राज्यसभा में समय था 2 बजे तक, उसको बढ़ाकर 3 बजे तक कर दिए गए, तो उसमें 2 घंटे बचे दो दिन में। तो इस हिसाब से कहे तो बहुत ही सकारात्मक माहौल रहा राज्यसभा में बजट पे चर्चा के दौरान, और चाहे जिस पक्ष के लोगों, सारे लोगों ने अपनी बातें ठीक ठाक ढंग से कही है। प्रीति बिल्कुल, अखिलेश आप हमारे साथ बने रहिए। तो आम बजट, जैसा अभी हमने बताया कि आम बजट 2021-22 पर चर्चा दोनों सदनों की कार्यसूची में शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज चर्चा का जवाब देंगी। राज्यसभा में आम बजट 2021-22 पर चर्चा आज तीसरे दिन भी जारी रहेगी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अपने भाषण पूरा करेंगे। चर्चा में अन्य दलों के सांसद भी अर्थव्यवस्था को लेकर अपने अपने विचार रखेंगे। चर्चा के आखिर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा का जवाब देंगी। सदन में 10 फरवरी को कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने आम बजट पर चर्चा की शुरुआत की थी। पहले दिन चर्चा में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा AIADMK, DMK, BJD, TRS और YSRCP के सांसदों ने हिस्सा लिया। 11 फरवरी को YSRCP सांसद सुभाष चंद्र बोस पिल्ली ने चर्चा को आगे बढ़ाया और अपने भाषण को पूरा किया। चर्चा में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, JDU, RJD, CPM, NCP, AGP समेत कई दलों के सांसदों ने अपने विचार रखे। उच्च सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने सरकार पर आम बजट में गरीबों और बेरोजगारों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा गया कि बजट गरीबों को समर्पित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने वाला है। चर्चा पूरी नहीं हो पाई और ये आज भी जारी रहेगी। वहीं लोकसभा में भी आम बजट 2021-22 पर चर्चा आज तीसरे दिन जारी रहेगी। सदन में 10 फरवरी को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आम बजट पर चर्चा की शुरुआत की थी, जिसके बाद बीजेपी, TMC समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया। 11 फरवरी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चर्चा को आगे बढ़ाया और 3 नए कृषि कानूनों का मामला उठाया। चर्चा में भाग लेते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस बजट में नया और मजबूत भारत दिखता है। चर्चा में BJD, TDP समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया, लेकिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई और यह आज भी जारी रहेगी। और चर्चा के आखिर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदस्यों की चिंताओं और सवालों का जवाब भी देंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को आम बजट 2021-22 पेश किया था। और अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, जैसा हम देख रहे हैं लोकसभा में भी आम बजट पर चर्चा एजेंडे में है, और बहुत दिलचस्प होगा कि वित्त मंत्री जो तमाम बातें कही गई हैं खासतौर से विपक्षी सांसदों की तरफ से, उनका जवाब वो किस तरह से देती हैं, ये देखना भी अपने आप में रोचक होगा। और मैं ये भी समझना चाहूंगी कि लोकसभा में किस तरह की संभावनाएं हैं। हम जानते हैं राज्यसभा में बजट सत्र के पहले भाग का समापन आज होना है, लोकसभा में क्या संभावनाएं? देखिए, लोकसभा में बहुत ही लोडेड, जिसको कह सकते हैं कि बहुत ही लोडेड कार्यक्रम है, काफ़ी कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो बजट पे चर्चा होनी ही है, उसके अलावा दो दो विधेयक हैं, एक विधेयक आर्बिट्रेशन और रिकन्सिलिएशन काफ़ी महत्वपूर्ण विधेयक है, राज्यसभा से वो पास हो चुका है और लोकसभा से उसे पास करना है। लेकिन दूसरा एक और जो विधेयक है, जो मेजर पोर्ट्स विधेयक है, उसमें कुछ संशोधनों के साथ राज्यसभा ने भेजा है लोकसभा में, तो उन संशोधनों को पारित करना है।
तो निश्चित तौर पे उसके बाद सदन के कार्यक्रम में प्राइवेट मेंबर से रिजोल्यूशन भी रखे गए हैं, तो आप समझ सकती हैं कि ये जो 4 से 9 का सामान्य कार्य है उसमें ये पूरा होना संभव नहीं लगता है। तो या तो सदन की कार्यवाही और आगे तक बढ़ा दी जाए, 9 से 10, 11 या 12 कई दिन हुआ है ऐसा कि सदस्यों ने आम सहमति से अपने कामकाज के घंटे को बढ़ा लिया है, तो अगर ऐसा हुआ कि देर रात तक बैठने की बात बनी तो हो सकता है आज भी समापन हो, लेकिन जो अगर नहीं उस तरह की स्थिति बनी, ज़्यादा लोग बोलने को रह गए, तो यह भी संभावना है कि कल बजट सत्र के पहले भाग का लोकसभा में समापन किया जाए, क्योंकि अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। जिस तरह से राज्यसभा में कल ही सभापति एम वेंकैया नायडू ने घोषणा कर दी थी कि हम शुक्रवार को समापन कर देंगे, स्पीकर ने कल कोई घोषणा नहीं की है, इसलिए ओपन एंडेड रखा गया है कि जैसी स्थिति बनेगी और सदस्यों की जैसी राय बनेगी उसी राय के लिहाज से अगर आज संभव हुआ तो आज, नहीं तो फिर कल होगा तो कल समापन किया जाएगा। प्रीति बिल्कुल, अखिलेश आप बने रहे हमारे साथ। विधायी कामकाज जैसा आपने भी जिक्र किया जो एजेंडे में है उसकी बात कर लेते हैं। मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा के एजेंडे में शामिल है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सदन में विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। संसद की मंजूरी के बाद यह विधेयक 4 नवंबर 2020 को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। इसके जरिए धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या अवार्ड पर अब अदालत बिना शर्त रोक लगा सकेगी। ताजा संशोधन के अनुसार अगर कोई फैसला धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार के जरिए हुए करार के आधार पर किया जाता है तो अदालत फैसले पर स्थगन के लिए कोई शर्त नहीं लगाएगी और अपील लंबित रहने तक बिना शर्त स्थगन देगी। अखिलेश, जो मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 है वो लोकसभा के एजेंडे में शामिल है, और कितनी कोशिश रहेगी कि पहले भाग में ही इसे पास करा लिया जाए? तौर पे जिस तरीके से आपने देखा कि सरकार इसके ऊपर अध्यादेश लेकर आई है, तो आप समझ सकते हैं कि अध्यादेश सामान्य परिस्थिति में नहीं लाया जाता। अध्यादेश वैसी परिस्थिति में लाया जाता है या माना जाता है कि इस कानून का बनना काफ़ी ज़रूरी है, और इस कानून के बनने के बाद जो नए नियम बनेंगे, नए कानून बनेंगे, उन कानूनों से देश को फ़ायदा होगा, इसलिए अध्यादेश लाया गया था। कोरोना पीरियड में 4 जो अध्यादेश लाए गए थे उसमें एक अभी था, तो इसलिए समझ सकती है कि इसके बाद जो आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री और पूरी भारत सरकार कह रही है, तो आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं कि सब कुछ भारत में ही होगा। जो विदेश से जो FDI आते हैं, जो विदेश की कंपनियां, वो हमारे साथ मिलकर जो यहाँ बनाने की बात कर रही है, और यहाँ बनाओ और दूसरे देश में भेजो, निर्यात करो, तो ये सारी संकल्पनाएं हैं आत्मनिर्भर भारत की। और उस आत्मनिर्भर भारत को लागू करने के लिए ठीक तरीके से कंपनियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगा, उसके अलावा एक ट्रांसपेरेंसी और भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी जितनी कम हो सके उतनी कम करने की संभावना बनानी होगी। तो इसीलिए यह बिल लाया गया है कि जब पोस्ट कोरोना पीरियड में हम एक नए तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था का और भारतीय जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, इन सारे सेक्टरों का एक जो नए तरीके से नवनिर्माण करना है, उसमें इस तरह के कानून की जरूरत होगी जिसमें कि चाहे वो बाहर की कंपनियां हों या देश के अंदर की कंपनियां हों, उनको एक विश्वास पैदा हो भारत के कानून में, और उसके अलावा दुनिया में जो अन्य विकसित देशों में कानून है उनके साथ भी एक उसका तारतम्य बैठे। तो इसी लिहाज से लाया गया है, और ये काफ़ी सरकार के लिहाज से काफ़ी अहम बिल है जो राज्यसभा में पारित हो चुका है, लोकसभा में आज इसे पारित करने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, आप बने रहे हमारे साथ। और हम जानते हैं शुक्रवार का दिन है, राज्यसभा में आज गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज स्थगित रहेंगे, हालांकि लोकसभा में आज गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प पेश किए जाएंगे। सांसद रितेश पांडे की ओर से पेश संकल्प पर आगे की चर्चा होगी। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए कल्याणकारी उपाय करने की मांग को लेकर 20 मार्च 2020 को संकल्प पेश किया था। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल एक नई व्यापक राष्ट्रीय खेल नीति तैयार करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद के सुधाकरन केरल राज्य में कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के विकास के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद एडवोकेट डीन कुरियाकोस केरल राज्य के इडुकी में एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव करेंगे। और
अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, हम जानते हैं शुक्रवार का दिन गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज के लिए नियत होता है, तय होता है। हालांकि राज्यसभा में आज गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज स्थगित है, लेकिन लोकसभा में आज तमाम ऐसे संकल्प हैं जो गैर सरकारी सदस्यों के हैं, इन्हें पेश किया जाना है। तो शुक्रवार के दिन की अहमियत इस हिसाब से भी काफी अहम होती है, लोकसभा में कैसा रहेगा इससे लेकर दिन? देखिए, लोकसभा में गैर सरकारी जो सदस्यों के कामकाज है वो लोकसभा में आज जारी रखने का प्रावधान किया गया है। और ये जो प्रावधान होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए कि इसके दो तरीके होते हैं। एक तो प्राइवेट मेंबर्स रिजोल्यूशन होता है और दूसरा प्राइवेट मेंबर्स जो बिल होते हैं वो आते हैं। आज जो है मुख्य तौर पर प्राइवेट मेंबर्स रिजोल्यूशन है। ये जो रिजोल्यूशन होता है, इस रिजोल्यूशन के माध्यम से सरकार से निवेदन किया जाता है कि सरकार इस काम को करे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला जो है रितेश पांडे का, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है, जिस पे की चर्चा पहले भी शुरू हो चुकी थी, उस चर्चा को और आगे जारी रखना है। तो या तो इस चर्चा में अन्य सदस्य भाग लें, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आए, अगर वो चाहें तो वोटिंग भी करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है, लेकिन यह जरूर होता है ये जो प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन है, इसके माध्यम से सरकार का, सारे सदस्यों का और इवन देश का ध्यान एक चला जाता है एक खास मामले की तरफ। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या देश में काफ़ी है और वो ग्रास रूट लेवल पे, जिसको कहते हैं गांव के लेवल पे, वो काम करते हैं। तो इन्होंने मांग किया है कि उनको रेगुलराइज किया जाए, उनके या अगर रेंटेड जगह पे वो रह रहे हैं तो जो ड्यूज़ हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के, उन रेंटेड जगहों के सारे ड्यूज़ जो हैं, बकाए जो हैं, उन्हें पूरा किया जाए। उन्हें जो ऑनरेरियम मिलता है, कहा जाता है कि उन्हें ऑनरेरियम मानदेय मिलता है, उसकी जगह पर उनको सैलरी किया जाए। तो एक तरीके से कहें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति को बताते हुए जो भी सदस्य इसमें भाग लेंगे वो सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। तो ये एक काफ़ी अहम हिस्सा होता है और एक ये काफ़ी अच्छा प्रयोग माना जाता है जो पूरी संसदीय हमारी कार्य प्रणाली है उसमें, कि सरकार पे दबाव बनाने का, उसका ध्यान आकर्षित करने का, एक खास मामले को उठाने का, तो एक अच्छा अवसर होता है और इस अवसर को जारी रखने का सदस्य प्रयास करते हैं अपने तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ने के लिए और संसद भवन परिसर से ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और आगे अब बात कर लेते हैं दोनों सदनों में रखे जाने वाले अहम पत्रों की। राज्यसभा में आज अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखा जाएगा। सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी और कामाख्या प्रसाद तासा रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। सांसद शमशेर सिंह ढुलो और सुजीत कुमार ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। सांसद रामकुमार वर्मा और रमीला बेन बेचर भाई बारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। सांसद झरनादास वैद्य और वंदना चौहान महिला स्वास्थ्य सेवा नीतिगत विकल्प विषय से संबंधित 11वें प्रतिवेदन की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के संबंध में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने के संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखेंगे। वहीं आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सदन में FSSAI के कार्यकरण पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 110वें और 121वें प्रतिवेदनों की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर बयान देंगे। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विभाग से संबंधित अनुदान मांगों 2019-20 के संबंध में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर बयान देंगी। वहीं ग्रामीण विभाग से संबंधित अनुदान मांगों 2020-21 के संबंध में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जानकारी भी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति सदन में देंगी। जबकि सदन में आज संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव पेश करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एम्स अवंतीपुरा जम्मू कश्मीर और एम्स मदुरै तमिलनाडु के लिए एक एक राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव सदन में पेश करेंगे। लोकसभा में भी आज अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और ब्रजेंद्र सिंह याचिका समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे।
डॉक्टर हेरा विजय कुमार गावित और शताब्दी राय बैनर्जी, महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। सांसद जुएल ओराम और कपिल मोरेश्वर पाटिल रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। सांसद प्रताप राव जाधव और जनार्दन मिश्र ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। सांसद रमा देवी और रेखा अरुण वर्मा सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगी। वहीं आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सदन में FSSAI के कार्यकरण पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 110वें और 121वें प्रतिवेदनों की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर बयान देंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों 2020-21 के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 329वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सदन में बयान देंगे। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विभाग से संबंधित अनुदान मांगों 2019-20 के संबंध में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर बयान देंगी। वहीं ग्रामीण विभाग से संबंधित अनुदान मांगों 2020-21 के संबंध में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जानकारी भी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति सदन में देंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एम्स अवंतीपुरा जम्मू कश्मीर और एम्स मदुरे तमिलनाडु के लिए दो दो लोकसभा सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव सदन में पेश करेंगे। और अब बात प्रश्नकाल की। राज्यसभा में इस दौरान आज कई अहम मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। एक नजर राज्यसभा में पूछे जाने वाले सवालों पर। राज्यसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत रसायन और उर्वरक मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद राम शकल पूछेंगे, क्या सरकार द्वारा वहनीय दरों पर प्रामाणिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए देश के प्रत्येक जिले में जल औषधि केंद्रों की स्थापना करने की कोई योजना है? सांसद दिग्विजय सिंह पूछेंगे, क्या खुले बाजार में कोविशील्ड वैक्सीन की 1,000 रुपए प्रति खुराक की कीमत भारतीयों, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वहनीय नहीं है? और अब बात अन्य मंत्रालयों से जुड़े सवालों की। सांसद सुशील कुमार गुप्ता का सवाल ग्रामीण विकास मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में श्रम दिवस बढ़ाए जाने को स्वीकृति प्रदान करने की कोई योजना है? सांसद विजयपाल सिंह तोमर का सवाल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, सरकार द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के अंतर्गत क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं? सांसद मोहम्मद नदीमुल हक का सवाल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या सरकार वैकल्पिक प्रोटीन और पादप आधारित मांस उत्पाद विकसित करने के लिए प्रोत्साहन देने का विचार कर रही है? और अब बात करते हैं रेल मंत्रालय से जुड़े सवालों की। सांसद दिनेश त्रिवेदी पूछेंगे, क्या सरकार की पुलों के वर्गीकरण की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करने की कोई योजना है? डॉक्टर भागवत कराड़ पूछेंगे, क्या चालू रेल परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब हो रहा है? और अब बात किसान और कल्याण मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवालों की। सांसद संभाजी छत्रपति पूछेंगे, क्या राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 15% है और ये देश के लगभग 50% जनसंख्या को रोजगार मुहैया कराता है? सांसद डॉक्टर विकास महात्मे पूछेंगे, क्या सरकार का मृदा के स्वास्थ्य में सुधार लाने और इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करने का विचार है? और अब बात वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से जुड़े सवालों की। सांसद
प्रियंका चतुर्वेदी पूछेंगी, आज की तारीख तक भारत के अन्य देशों को निर्यात की गई कोविड टीके की खुराक की कुल संख्या और उसका मौद्रिक मूल्य कितना है। सांसद महेश पोद्दार पूछेंगे, क्या सरकार भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करेगी। और अब बात उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से जुड़े सवालों की। सांसद सुरेंद्र सिंह नागर पूछेंगे, क्या सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कार्ड धारकों को आपूर्ति के लिए राज्यों को खाद्यान्न आवंटन की मात्रा में वृद्धि की है। सांसद सतीश चंद्र दुबे पूछेंगे, क्या देश भर की चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति संकटपूर्ण है। और अब एक नजर लोकसभा में पूछे जाने वाले सवालों पर। सांसद अजय भट्ट का सवाल सूचना और प्रसारण मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, दूरदर्शन महानिदेशालय और आकाशवाणी महानिदेशालय में आज की तिथि के अनुसार रिक्त पड़े विभिन्न वर्गों के पदों का ब्यौरा क्या है। सांसद श्रीरंग आपा बारने का सवाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या नव प्रवर्तनों और प्रकाशनों में भारत की वैश्विक स्थिति बेहतर हुई है। सांसद राम्य हरिदास का सवाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगी, क्या सरकार ने देश में अंगदान संबंधी कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं। सांसद थॉमस चाची कादन का सवाल पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या सरकार ने पिछले 3 दशकों के दौरान देश भर में जलवायु परिवर्तन की ओर ध्यान दिया है। सांसद रवि किशन का सवाल सूचना और प्रसारण मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित वेब सीरीज या फिल्मों का संज्ञान लिया है, जिनसे धार्मिक भावनाएं लगातार आहत होती रहती हैं। और अब से कुछ देर में राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। आगे देखिए राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।